बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास सिक्स इस्लामियात का टीचर हाफिज़ नवीद। मेरे बच्चों, आज हम लेक्चर नंबर 46 के साथ हाजिर खिदमत हैं। सबक का उन्वान सदाकत। आज हमें इसके पहले 5 शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। मेरे बच्चों, पेज नंबर 46 ओपन कर लें जी। सदाकत से क्या मुराद है? सदाकत से मुराद सच्चाई या रासबाजी है, यानी ऐसी बात कहना जिसे कोई जुटला ना सके। सच्चा कौलो फेल और दुरुस्त अमल ऐनी सदाकत है जी। मेरे बच्चों, मक्का वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहकर पुकारते थे? हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी झूठ ना बोला और ना ही अमानत में खयानत की, इसलिए मक्का वाले हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन यानी सच्चा और अमानतदार कहकर पुकारते थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, सादिक कौन है? सादिक वो शख्स है जो अपनी गुफ्तगू में सच्चाई से काम लेकर गलत बयानी न करे, अपनी जिम्मेदारियाँ ईमानदारी से नभाए। ऐसे शख्स को सच्चा कहते हैं जी। मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, एक शख्स ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अकदस में हाजिर होकर किन 4 बुरी आदतों का बताया जी? जवाब सुने मेरे बच्चों। एक दफ़ा एक शख्स रसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अकदस में हाजिर हुआ और अर्ज किया, मेरे अंदर ये 4 बुरी आदतें हैं। मैं शराब पीता हूँ, मैं चोरी करता हूँ, मैं बदकारी करता हूँ, मैं झूठ बोलता हूँ जी। क्वेश्चन नंबर 5, कुरान पाक में सच बोलने वालों के बारे में क्या इरशाद फरमाया? अल्लाह फरमाते वकूनु मा सादिकीन, और सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। और जो मेरे बच्चों, जो इंसान सच बोलता है दुनिया और आखरत में, उसको इज्जत की नज़र से देखा जाता है। दुनिया और आखरत में कामयाबी उसी बंदे का मुकद्दर है जो सच बोलने वाला है। तो मेरे बच्चों, आज का हमारा मैसेज भी यही है कि हत्तुल इम्कान हमने कोशिश करनी है कि हम हमेशा रासबाजी से काम लें, हमेशा सच बोलें और सच के दामन को मजबूती से थामे रखें। फिर आपकी और मेरी दुनिया और आखिरत में कामयाबी हकीकी है। तो मेरे बच्चों, इस सबक को अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व